Brought to you by Techno Camon 30 series. इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है भाई, गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उसमें भी कार्रवाई हो। परमात्मा ने प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया, क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया। आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं तो ये विश्वास हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। बिहार सरकार के अधिकारी हैं, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों के जान की कुछ नहीं पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं और गर्मी में भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है भाई, गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी कहे हैं पीएम मोदी को लेकर के कि अगर आप परमात्मा हैं तो मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और समाज को तोड़ना बंद कीजिए। ममता जी के पास अपने राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने प्रदेश के लोगों की वो पहले चिंता कर लें। संविधान कई अधिकार उनको भी देता है संघीय ढांचे के तहत, ऐसे में अपने प्रदेश में हो रही खूनी झड़प, अपने प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में एक अनरेस्ट है उसकी चिंता अगर ममता बनर्जी जी करें तो संभवतः उनका प्रदेश भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकास की राह पर बढ़ सके। लालू यादव का कहना है कि कौन बनल बा संविधान और रक्षण के खातिर यही मौका बा सरकार बनी हम लोग। भाई 4 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं है, 4 तारीख को पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। NDA 4 तारीख को बिहार की 40 की 40 और देश भर में 400 पार कर मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बाकी लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं ना, वो लोग मीट पार्टी ही करेंगे, मटन पार्टी ही करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और काम बचेगा नहीं। एक दूसरे के घर जाएंगे, वो मटन पकाकर इनको खिलाएगा, ये मटन पकाकर उनको खिलाएंगे। 4 जून के पास इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचेगा।